है आज का लास्ट व्यू, है ना मजे का? अगर मजे का लगा ना तो लाइक जरूर मारना यार। एक और सुनहरा दिन जो कि स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 3 बजे इसके साथ। आज ये भी हमारे साथ सुबह सुबह, मैं काम पे नहीं गया और सुबह सुबह हमें मिल गया ये देखो बिल आया हुआ है, इसको खोलते हैं। किसी की खबर नहीं है, ये बोल रहे हैं कि भाई साहब पानी कम इस्तेमाल करना वरना अगली बार जो बिल आएगा वो महंगा आएगा, तो मैं समझा खुशी खबर होगी, लेकिन नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गाड़ी में नहीं जा रहे, सामान लेने जा रहे हैं, नीचे से घूमने की पड़ी रहती है। लॉकडाउन की वजह से बंद है यार, अफसोस। क्या चलो चलो स्लाइड करते हैं, निकलो यहाँ से। आज मैं काम पे भी नहीं जा सका क्योंकि यार बहुत सारे रैंडम काम रहते थे, तो मैंने कहा पहले वो खत्म कर लूँ, उसके बाद जो है कल काम पे हो सकता है चला जाऊँ। तो यहाँ पे पहले काम खत्म करते हैं, प्लाजा से कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेनी है वो लेके उसके बाद आगे जाएंगे। लिया है आपने? अपने लिए टिश्यू लिया है? अभी क्या चाहिए आपको? अच्छा ले लो फिर, अपनी मर्जी की चीज़ें उठा रही हो। आज लगता है फिर दिवालिया निकलेगा मेरा। हम आ चुके हैं यार स्टोर में, थोड़ी सी चीज़ें लेंगे अभी बस, और इन सब का बिल भी देना पड़ेगा फिर। ठीक है, खुद दोगी इस बाबा? ओए ओए छोटू, बिल दोगी? हाँ। ये देखो यार सारा लूट लेते हैं ये, खत्म कर लिए। ये देखो हम लोगों ने चीजें ले ली हैं भर भर के, और उन्हें देखो भाई बिल क्यों नहीं दिया, खुद खेल रही हो। तो यार ये चक्कर होता है, बिल की बारी आती है ना तो खुद भाग जाती है और हमें लेना पड़ जाता है। वो बिल चीज ले लिया, हमें ईमेल आ गई है फाइनली सैमसंग वालों की तरफ से कि तुम्हारे जो एयरबड्स हैं वो आ चुके हैं, जाके उनको देखते हैं कि क्या सीन बनता है, अभी घर चलते हैं। उस 4 बजने वाले हैं और ये थी वो ईमेल जो इन्होंने की है। चलो ऑटो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अच्छा तो यार उनके मुताबिक पता है क्या सीन है, वो बोल रहे हैं कि विद इन 3 डेज आप आके अपनी चीजें ले सकते हो, तो 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फाइनली चलो हम कल गए तो थोड़ा सा हमने डांटा, चुप करो, उन्हें थोड़ा सा डांटा है, तो चलो फाइनली उन्होंने ईमेल कर दी, 3 दिन बाद जाके लेते हैं। अभी यार एक और जगह जाना है चिमसा चुकी, वहाँ पे थोड़ा सा काम है, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं। तू बोल ले खाना खाना है, तू पियो खाना नहीं खाना। ये आ चुका है हमारा पिज्जा, ये खाते हैं उसके बाद जाते हैं। मजे का है ना? नहीं, मजे का पिज्जा था यार, मजा आ गया। निकल आए हम लोग, अभी जाएंगे डायरेक्ट चिमसा चुकी पार्किंग में, आ चुके हैं यहाँ से, अपनी लाल परी को स्टार्ट करेंगे, उस पर जाएंगे। मैंने सोचा बस पे जाएंगे लेकिन नहीं यार, लाल परी इज अ बेटर ऑप्शन। हाँ जी, लाल परी हो चुकी है स्टार्ट, चलते हैं अभी इस पे बैठ के, भूला नहीं हूँ मैं ऐसे छुट्टी वाले दिन भी। ऑलमोस्ट आधा घंटा घूमने के बाद फाइनली हमने अपनी लाल परी को खड़ा कर दिया, इनकी वजह से यार, ये लोग जा ही नहीं रहे थे। मैं पूरा चिमसा चुई घूम चुका हूँ लेकिन ये लोग नहीं जाने का नाम ले रहे। मसला ये था कि ये लोग बिल्कुल पार्किंग के सामने खड़े थे और मैं ऐवें ही खड़ा करके जा नहीं सकता था, अगर चला जाता तो 320 का चलान लग जाता, तो मुझे नहीं अच्छा लगता 320 का चलान लग जाता मेरा। तो अभी काफ़ी देर खड़ा होने के बाद मुझे फाइनली जगह मिली है, तो मैं पार्किंग के अंदर लगा के अभी जा रहा हूँ काम पे। ऐवें ही आधा घंटा ज़ाया कर दिया इनके चक्कर में, लेकिन चलो 320 से बच गए। आ चुके हैं चिमसा चुई, बड़ा ही कमाल का है इलाका है ये, और ये वाला जो होटल है ना सबसे महंगा है। ये देखो आगे चलते हैं, काम हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अरे पोशे, ये है वो होटल पेनिनसुला, वो देखो सामने फरारी जगुआर, ये रोल्स रॉयस, और आगे खड़ी है एस्टन मार्टिन, ये इसकी एंट्रेंस है ना कमाल की जगह, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा है ये, बड़ा ही महंगा होटल है बे लोंडो। वो देखो ये तो महंगा है ही है, इसके अलावा इससे जो नीचे लेवल का है ना वो ये वाला है, वो तुम्हें नजर आ रहा होगा K11, इससे थोड़ा सा लो है लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है। पार्किंग में बाइक खड़ा करने का ये भी एक फ़ायदा है कि आप लोग आराम से घूम सकते हो। अगर मैं पार्किंग से थोड़ा सा आउटसाइड पे खड़ा करता ना तो $320 लगने का अलग से डर था, और बार बार टेंशन होती यार अभी आधे घंटे बाद दोबारा लगा जाते हैं, ये भी इनकी बड़ी गंदी आदत है। तो अभी हम टेंशन फ्री हैं, आराम से यहाँ पे घूमेंगे, काम हमारा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा काम था, अभी जाते हैं आगे यार सी साइड पे, बहुत प्यारी जगह है। तो ये मैं आपको कमाल कमाल की गाड़ियाँ मिल जाएंगी हर किस्म की, सिवाय बुगाटी के ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ मैंने यहाँ पे देखी हैं, बुगाटी नहीं देखी मैंने, और जो भी स्पोर्ट्स कार है वो सारी देखी हैं।
और ये तो यहाँ पे डजन के हिसाब से होती हैं, पोर्शे, मर्सिडीज, ऑडी, ये तो ऐसे हैं जैसे यार हमारे पास हो नहीं होती GLI वगैरह। वैसे ये तीसरा होटल है, ये तीनों होटल हांगकांग में सबसे ज़्यादा महंगे हैं। अभी जाते हैं नीचे, ऊपर रास्ता नहीं है तो सबवे से होके जाना पड़ेगा। मैं उस तरफ जा रहा हूँ, उस तरफ जाने का मेरा मकसद ये है क्योंकि रात होने वाली है और रात का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, 5:30 होने वाले हैं तो इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं लौंडो, तुम्हारे लिए इतना तो बनता ही है। और अभी हम सीढ़ियों से उतर के आ चुके हैं सबवे। ये देखो यार, मैंने आप लोगों को बोला था ना, इसका एक अपना ही लेवल है, कितना खूबसूरत ये होटल है। लेकिन यार इन्होंने डेकोरेट नहीं किया हुआ यार, पता नहीं क्या चक्कर है, कोई नेक्स्ट इवेंट आएगा तभी डेकोरेट करेंगे, मुझे नहीं पता अभी नेक्स्ट इवेंट कौन सा होगा। चलो यहाँ से आगे चलते हैं, ब्यूटी तो है। इस मास्क से मैं इतना तंग हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, गालियाँ निकलती हैं सच्ची में, लेकिन निकाल नहीं सकता, बहुत तकलीफ देता है यार, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमें पहनना पड़ता है। सनसेट होने वाला है ऑलमोस्ट, और इनको देखो, शू, अबे उड़ो, थोड़ी सी इज्जत करो। इज्जत ही नहीं यार, इस वीडियो में आपको सिनेमैटिक शॉट या स्लो मोशन शॉट नहीं मिलेंगे, हालांकि बना सकता था मैं, लेकिन नहीं बनाऊंगा। वो देखो सनसेट होने वाला है, जगह को देख के मेरा दिल कर रहा है कि थोड़े से सिनेमैटिक शॉट बना लिए जाएं। सनसेट कमाल का लगता है यहाँ पे, और जब रात होगी अलग ही लेवल पे पहुँच जाएगी ये जगह। ये देखो पीछे यार, वीडियो तो काली आ रही है लेकिन व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं आगे जाके थोड़े से और सिनेमैटिक शॉट लूँगा, धूप आंखों में पड़ रही है वे, लेकिन सनसेट होने वाला है जो कि मजे का होगा। आगे जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी लोकेशन मिल जाएगी। आसमान बहुत ज़्यादा प्यारा, और ये देखो ये किसकी कॉपी है बताओ मुझे। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों की कॉपियाँ मिल जाएंगी बिल्डिंग्स की। कोविड ने ना इस जगह की रौनक ही ख़त्म कर दी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनकें होती थी, लेकिन अभी गिने चुने बंदे नज़र आएंगे आपको। सनसेट में अभी टाइम है, ये लाइटिंग सारी हो जाएगी तो अलग ही लेवल का व्यू मिलेगा आपको। और ये है घंटाघर, है ना। सुनो ये क्या कह रहे हैं, अब ये ऐसे होगा तो कौन आएगा यहाँ पे। ये देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ, मतलब दो बंदे यहाँ पे अलाउ हैं एक साथ, और इसके अलावा, अबे चुप कर जा यार, फाइनली इनकी बकबक ख़त्म हो चुकी है। और ये कहना चाह रहे थे कि आप दो बंदों से ज़्यादा यहाँ पे गैदरिंग नहीं कर सकते, दो बंदे अलाउ हैं सिर्फ, ये क्या ज़िंदगी है भाई, इसलिए लोग यहाँ पर नहीं आते। और दो बंदे और अलग ग्रुप, ग्रुप अगर आप ग्रुप के साथ आते हैं तो दो बंदे और दो बंदे, कम से कम भी 2 मीटर का फासला उनके दरमियान होना चाहिए, ऐसा ही कुछ है यार। लेकिन बड़े घटिया रूल हैं इसलिए यहाँ पे कोई आता नहीं है, वरना यहाँ पे सुई फेंकने की भी जगह नहीं थी, ऐसी मिसाल होती है। बर्बाद कर दिया यार उन्होंने इस जगह को। सनसेट के लिए अभी 1 घंटा ऑलमोस्ट है इस व्यू को इन्जॉय करने के लिए, अभी दिन का है ना, रात को बताता हूँ कैसे होगा ये। हाँ ये क्या व्यू मिल जाता है ना, सोचा था मैं सिनेमैटिक शॉट बनाऊंगा, मेरा आज दिल नहीं था, लेकिन यार ऐसे कमाल कमाल शॉट्स मुझे मिल गए हैं, मैंने खुद नहीं सोचा था, अच्छा ही हो गया ना, ओपी लक बोलते हैं। हाँ पबजी में नहीं है वो अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ में है थोड़ा बहुत। और बात यार यहाँ पे कभी भी अकेले मत आना, वरना बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि यार सेल्फीज ले लेके ना थक जाओगे, अगर कोई दूसरा बंदा होगा ना तो आपकी फ़ोटो क्लिक अच्छी तरीके से कर पाएगा, मज़ा भी आएगा आने का, वरना मेरी तरह नल्लों की तरह घूमते फिरोगे। ये कहना चाह रहा है कि 6 हो चुके हैं और हमारा लक देखो, सूरज गुरूम होने वाला था और आगे बादल आ चुके हैं। बिल्डिंग में 9 बजे लाइटिंग शो होता है, अभी स्टार्ट होगा लेकिन 9 बजे होगा, अभी नहीं होगा। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइटिंग हो चुकी है, टाइम हो रहा है 7 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक फुली लाइटिंग नहीं हुई है। मैं और भी वेट करूंगा, अभी ऑलमोस्ट मेरा 1.5 घंटा तो हो चुका है, लेकिन यार तुम लोगों के लिए इतना तो बनता है। यहाँ पे एक फेरी आके रुकी है और मैं रात का वेट कर रहा हूँ, देखो शाम तो हो चुकी है ना, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ रात का, क्योंकि व्यू कलेक्ट करना है, उसके बाद जाना है। फाइनली यार 7 बज चुके हैं, 2 घंटे हमने वेट किया है और ये है रात का व्यू, है ना प्यारा, कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ फील करना पड़ेगा। स्लो जाते हैं भाई थोड़ा सा, और सुकून जगह ये, और वो एंड में इसकी यार मैं पिक्चर्स लूँगा, अभी आपको बताता हूँ कैसे होगा, ऐसे तो सही नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसकी मैं पिक्चर्स लूँगा आपको। वो ये था वो लास्ट व्यू यार, जिसके लिए मैं रुका रहा ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा कह सकते हो आप इसको, पुरसकून जगह। और अभी इसको छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे एक आखिरी वीडियो लेके, उसके बाद देखेंगे बाइक के पास जाएंगे और सीधा निकलेंगे घर। यह है आज का लास्ट व्यू, है ना मज़े का, अगर मज़े का लगा ना तो लाइक ज़रूर मारना यार। मैंने यार चांस की थोड़ी सी पिक्चर्स ली हैं, वो भी मैं ऐड करूँगा, कैमरा क्वालिटी देखना आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखो यार रात को ये घंटा घर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है। सुबह को कैसा था और रात को कैसा था, सुबह तो नहीं कह सकते आप,
शाम कह सकते हो यार। सेल सपाटा जो था हमारा खत्म हो चुका है। ये हमारी लाल परी खड़ी है, इसको स्टार्ट करके सीधा घर जाते हैं। पार्किंग में आ चुके हैं, लाल परी को खड़ा कर दिया यहाँ पे, अभी मैं जाऊंगा सीधा घर। मजे का दिन था यार, आज काम पे नहीं गया, हो सकता है कल काम पे जाऊं। ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो भी कह सकते हो। अभी मैं जाता हूँ घर, भूखी लग गई है फिर से, उखड़ इंसान। बाय बाय। ये आ चुका है खाना, खाना एंजॉय करते हैं और आप चांद एंजॉय करो। मैं अभी तस्वीरें डाल दूँ।